तो जय हिंद गाइस, अगर आप एक इंडियन बैंक के सीएसपी हो और आपको एमपॉस डिवाइस जो है जबरी बोला जा रहा है परचेज करने के लिए कि आप लोग एमपॉस डिवाइस को खरीदिए, जैसा कि आप लोग को पता है हमारे जो है सीएसपी लैपटॉप में चलता था, लेकिन अब एमपॉस डिवाइस में स्विच करने के लिए बोल रहे हैं और तो और सभी को कह रहे हैं कि आप लोग पैसे जमा करिए तो आपको सीएसपी के जरिए आप लोग को एमपॉस डिवाइस भेजा जाएगा, तभी आप लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत जल्द हम लोग का जो है सीएसपी को बंद कर रहे हैं और एमपॉस डिवाइस में स्विच कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देख सकती हूँ, यहाँ पर कुछ बैंक मित्रों ने कंप्लेंट करते हुए यहाँ पर एक बैठक रखी थी जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलते हैं आपको बताते हैं और आप लोग ने पढ़ चुका होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोग को पहले से ही ग्रुप में मैसेज मिला होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखाता देता हूँ जो कि आप कुछ लोगों को नहीं मिला है या फिर कुछ लोग को नहीं पता है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरा जो है अपडेट। यहाँ पर देख सकते हो बैंक मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की एक नई आवश्यक बैठक रखी गई है। बैंक मित्र ने पॉस मशीन न लेने के एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा है, स्थायी थाना क्षेत्र हनुमान मंदिर के पीछे वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक की गई, जिसमें मुख्यतः बैंक व TSP द्वारा बैंक मित्र के साथ मनमानी ढंग से खाते को होल्ड लगाने व पॉस मशीन लेने की मजबूर कर रहे बैंक मित्रों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, जिससे सभी बैंक मित्र ने पॉस मशीन के न लेने के लिए एक साथ होकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही मिर्जापुर जॉन के FI मैनेजर द्वारा बार बार होल्ड कर BC को काम करने में परेशान करना और अन्य समस्याओं को लेकर इंडियन बैंक BC एक मंच पर आकर विरोध किया, जिससे संगठन के अध्यक्ष सुरेश सिंह और राजेश तिवारी, ब्रजेश भूषण तिवारी, अनुराग सरवन कुमार, विनोद कुमार, साथ ही कचनवार कोन रामगढ़ के सभी BC उपलब्ध थे। तो गाइस ये मैं बता देता हूँ कि आप लोग को जो है ये सब जो संगठन में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी संगठन से हर समय जुड़े रहना चाहिए। और जो है दोस्तों आप लोग को पॉस मशीन नहीं लेना है भाई, एकदम भी नहीं लेना है, अभी तक पेमेंट नहीं करना है। बैंक CSP बंद हो जाए बंद हो जाने दीजिए, 2-4 दिन तक बंद रहेगा ठीक है भाई, वो अपने से ही चालू करेंगे, लेकिन आप लोग को लेना नहीं है एमपॉस डिवाइस, वो खुद से ही फ्री में देंगे भाई, सभी को लेना पड़ेगा, फ्री में ही देंगे, नहीं तो वो लैपटॉप पर ही काम होगा, लेकिन सभी लोग को नहीं लेना है, जिससे वो लोग सोचेंगे कि नहीं अब इन लोगों का चालू कर देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पेमेंट फंसाएंगे नहीं भाई, 27,000-30,000 रुपये समझ सकते हो, 2-3 महीने की सैलरी होती है सभी CSP भाई का, 2,000-3,000-5,000-7,000-8,000-10,000 रुपये कमाते हैं और वो जो है डिवाइस को ले लेंगे। और तो और गाइस इसमें जो है बहुत बड़ी समस्या होगी, जो कि पहले आप लोग को पता है कि लैपटॉप में समस्या सुधरते सही हुई है, और तो और जब एमपॉस आ जाएगा तो फिर से वो समस्या जारी हो जाएगी, जैसे कि आप लोग को पता है पुराने एमपॉस में भी ऐसी समस्या आ रही थी। तो दोस्तों वीडियो में यही छोटी सी, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग को ये एमपॉस डिवाइस नहीं लेना है भाई, संगठन में सभी लोग को ज्वाइन होना है और सभी लोगों को एक साथ रहना है, किसी को भी एमपॉस डिवाइस नहीं लेना है। तो दोस्तों वीडियो में छोटी सी मिलते हैं हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।